Hey guys, welcome back to the channel. दोस्तों आज के ब्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे जो मैंने अपने कार का जो ऑडियो सिस्टम उसको अपग्रेड किया है, ऑडियो सिस्टम का जो अपग्रेड में जो है मैंने चीज़ों को कहाँ कहाँ जो है प्लेस किया, सारा वायरिंग वगैरह सब कुछ जो है ये मैं आपको बताने वाला हूँ, ताकि आपको जो है एक ओवरऑल आइडिया हो जाए कि आप जो है चीज़ों को अपना कहाँ कहाँ जो है प्रॉपरली प्लेस कर सकते हो। चीज़ों को बात करें तो जैसे कि सबवूफर वगैरह हुआ, जो आपका एम्पलीफायर हुआ, उसका कनेक्शन हम कहाँ से प्रॉपरली लेते हैं और उनको कहाँ कहाँ पर जो है आप प्रॉपरली अपनी गाड़ी में सेट कर सकती है, सब कुछ जो है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो चलिए इसे शुरू करते हैं व्लॉग को और जो है आपको दिखाते हैं मैंने जो है अपना एम्पलीफायर, सबवूफर और जो है कनेक्शन वगैरह कहाँ कहाँ से ले रखा है, जो ऑडियो जो है मैंने इसका अपग्रेड किया। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले जो खोल के मैं आपको दिखाता हूँ बोनेट में जो है कैसे जो है मेरा एम्पलीफायर को वहाँ से कनेक्शन लगाया हुआ, कैसे फ्यूज़ वगैरह है, ये सारा सब कुछ चीज़ मैं आपको सबसे पहले बोनेट में दिखाऊंगा। बोनेट के बाद मैं आपको कार के अंदर दिखाऊंगा कि जो है मैंने अपने एम्पलीफायर को कहाँ पे प्लेस कर रखा है और उसके बाद जो मैं अपने सबवूफर आपको दिखाऊंगा कि सबवूफर को मैंने कैसे रखा है। तो चलिए दोस्तों बोनेट खोलते हैं और आपको दिखाते हैं बोनेट में जो है एम्पलीफायर का कनेक्शन कैसे, एम्पलीफायर को जो है पावर जो है इनपुट दिया जाता है वो जो है आपका बैटरी से, कार का जो बैटरी है उससे दिया जाता है। तो आपका कनेक्शन जो है वो जाता है बोनेट के अंदर जो है बैटरी जो लगा रहता है वहाँ से जो है आपका एम्पलीफायर को जो है पावर सप्लाई किया जाता है। चलिए दिखाते हैं आपको बोनेट से ये कैसे कनेक्टेड रहता है। तो गाइज अभी खोलते हैं अपना बोनेट और आपको दिखाते हैं यहाँ पे। एक हाथ से थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो गाइज यहाँ जो है मैंने बोनेट खोल लिया और आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो गाइज आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं, ये जो है इसको जो हम फ्यूज़ बोलते हैं, ये जो है ये आपको जो है कनेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो देख सकते हैं आप यहाँ जो है मेरा बैटरी है, बैटरी से जो ये रेड वायर आपको दिख रहा है, ऑरेंज वायर, तो ये जो है जाता है मेरे एम्पलीफायर के लिए। तो इससे यहाँ पर जो एक फ्यूज़ लगा हुआ, देखिए इस फ्यूज़ को आप ज़रूर लगाए, ये जो आपके एम्पलीफायर को सेव करता है जब भी बैटरी या पावर जो है फ्लक्चुएट करता है या कुछ भी ज़्यादा कम होता है, तो ये फ्यूज़ जो है बहुत ही ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कनेक्टेड है, उसके बाद जो है बीच में फ्यूज़ कनेक्टेड है, उसके बाद जो है ये वायर जो है ऑरेंज वायर जो है जा रही है मेरे एम्पलीफायर की तरफ। तो दोस्तों ये जो वायरिंग किट है ये JBL का है और इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ख़रीद सकते हो। ये जो है अच्छा खासा मतलब क्वालिटी अच्छा है इसका JBL का, मैं इतने दिन से यूज़ कर रहा हूँ, मुझे कोई इशू नहीं हुआ। तो आपका जो वायरिंग किट होता है वो जो आपको जो है प्रॉपर यूज़ करना चाहिए, अदरवाइज़ आपको एम्पलीफायर को बहुत जल्दी ख़राब कर देता है। तो आप यहाँ पर कनेक्शन देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं गाड़ी के अंदर की तरफ, जो एम्पलीफायर लगा हुआ उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ जो है, यहाँ नीचे जो है इस सीट के जो को पैसेंजर सीट है, इसके नीचे जो है मेरा एम्पलीफायर आप यहाँ लगा के रखा है मैंने, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे ये जो है सोनी का, देखिए जो है एम्पलीफायर लगा हुआ। दोस्तों ये जो है ये बेस्ट प्लेस होता है जो आपको किसी भी तरह से यू नो आपका जो है एरिया उसको बर्बाद नहीं करता और जो है सेफली आप इसको यहाँ पे रख सकते हैं। तो अंडर सीट में इसको रखता हूँ, जो पैसेंजर सीट है को पैसेंजर सीट है उसके नीचे रखता हूँ मैं इसको। और सारा वायरिंग जो है, सारा वायरिंग मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर सो के जाता है, बहुत ही अच्छा सेट किया भाई ने, इसके अंदर सो के जाता है जो आपका बोनेट से लगता है, तो आपको जो वायरिंग बिल्कुल भी नहीं दिखता। तो आप वायरिंग का टेंशन ना ले कि आपको वायर इधर उधर गिरा हुआ मिलेगा दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं, पूरा प्रॉपर फिट आता है, देखिए वायर कहीं नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे मैंने लगा रखा है इसको। सो गाइस अब आते हैं सबवूफर, सबवूफर जो है मैंने डिक्की में लगा रखा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सबवूफर जो है मैंने ये सोनी का ही लिया, इस ये जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, इसका बास जो है बहुत ही अच्छा, इसका जो है लिंक भी डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर चेक करें, उसमें जो है जितने कार के एक्सेसरीज जो भी मैं यूज़ करता हूँ, जो भी म्यूज़िक आइटम अपग्रेड के लिए जो भी चीज़ें चाहिए और ब्लॉगिंग के लिए जो भी मैं यूज़ करता हूँ सब कुछ डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ज़रूर चेक करें। दोस्तों यहाँ पर मैंने इसको लगा रखी है, काफ़ी अच्छा कॉम्पैक्ट है और कम एरिया लेता है, जो मेरा बूट स्पेस भी बचता है और जो है अच्छा खासा जो है आपको आवाज़ क्वालिटी बेस का जो मिल जाता है। देख सकते हैं ये जो है ये वायर है इसका लगा हुआ, इसका वायरिंग जो है यहाँ से आता है, इसका वायर जो है ये वायर भी आपको जो है मिलता है आराम से, जो है अच्छा खासा इन्होंने सेट किया था, आपको गाड़ी के अंदर नहीं मिलेगा, आप बाहर से देख सकते हैं।
इसको करते हैं बंद और आपको यहाँ दिखाते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो सारा वायर जो है इधर से जो है आपका आता है, इस साइड से सारा वायरिंग जो है इस साइड से आता है। इसको उठा के सेट करते हैं तो जो वायर जो है इसके अंदर ही रहता है, तो आपको कुछ भी दिखता नहीं है। तो आप देख सकते हैं कोई वायर एक्स्ट्रा आपको नहीं दिखेगा। सो गाइज यही कुछ सेटअप था जो मैंने अपग्रेड का, जो है ऑडियो सिस्टम जो अपग्रेड किया मैंने उसके बारे में आपको बताया। तो दोस्तों ये जो है ये सेटअप मैं यूज़ करता हूँ और आप भी जो है इस सेटअप को यूज़ कर सकती है। अच्छा सेटअप है जो आपका जो है एम्पलीफायर जो है बहुत सारे लोग क्या करते हैं डिक्की में रखते हैं, बट वहाँ पर जो है स्पेस जो है ख़राब हो जाता है, बेकार होता है, तो इसीलिए वहाँ ना रखें। आप यहाँ अंडर सीट रख सकते हैं जो आपका को पैसेंजर सीट है उसके नीचे, और साउंड क्वालिटी वगैरह में कोई भी फ़र्क नहीं आता है, ज़्यादा कुछ भी इशू नहीं आता है, तो आप आराम से रख सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक स्टे हेल्दी स्टे सेफ, बाय बाय।